श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। उन्होंने सभी भक्तों को कहा कि धन की नहीं धर्म की पूजा करें। उन्होंने लोभ लालच क्रोध मोह भय बुरे आचरण से दूर रहने की नसीहत दी ताकि जीवन सुख में रह सके। इस दौरान उन्होंने ये भी आवाहन किया कि 16 अप्रैल को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में वे सुंदर झांकियां ढोल ताशे व संख्य भक्तों सहित शामिल होकर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इस मौके पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, ज्योतिषाचार्य गौरव, गीता, प्रीति, कोमल, सोनिया, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा से सभी शहरवासियों को ये बड़े भाव से सूचित किया जाता है कि एक तो हर शनिवार को माँ चंडी का यज्ञ साप्ताहिक दुख निवारण जो शनिवार को माँ चंडी के होता है, तो इसको लगभग आज 4 वर्ष भी कंप्लीट होने लग पड़े हैं महारानी के आशीर्वाद से। बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे भक्त उस माँ काली के प्रताप से, उसके आशीर्वाद से अपने कल्याण के लिए, भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं, आते हैं। तो आज भी उसी कड़ी में माँ चंडी का विशाल यज्ञ किया गया। और सबसे ज़रूरी सूचना यह है, आप जितने भी राम प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, तो 16 अप्रैल को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर से आदरणीय बाबूजी शीतल बीज की अध्यक्षता में जो पवित्र और बहुत विशाल शोभा यात्रा भगवान राम जी की निकाली जा रही है, तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जीवन को सफल बनाए। यात्रा का मतलब होता है, शोभा यात्रा का भी मतलब होता है भगवान के शोभा यात्रा में जाना, अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर देना, ये भाव होता है। तो आगे पीछे बहुत कुछ करते रहते हैं, ऐसे मौक़ों का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस बार तो और बहुत ज़्यादा जोश से जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी का आगमन भी अयोध्या में हुआ है। तो इसलिए पवित्र स्थान शक्तिपीठ से शोभा यात्रा में आप बढ़ चुके हिस्सा लें। कालिका धाम से भी हर वर्ष ही इस विशाल शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्से ले जाते हैं। इस बार भी बहुत सारे भक्त सज्जन रथ से, गाड़ियों से, पैदल तो यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी। उसके पहले कालिका धाम में 11 बजे लगभग लंगर का आयोजन होगा, उसके बाद यहाँ सब लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर शोभा यात्रा के लिए प्रस्थान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।